खड़े मत, खड़े मत भाई, ज्ञापन दे रहे हैं मैडम। हम लोग पहले आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आप हमारा अधिकारी हैं, कि हमारे परेशानी के लिए आपके पास क्या उपाय है, कहां तक आप हमारी बात पहुंचा रहे, हम कैसे अपनी जिंदगी यहां जिए, एक हमारी दो लफ्ज आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। परेशानी आपके सामने मैडम, पानी की पानी की घरों में घुसा हुआ है मैडम, टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो रहे, बिजली के पैनल तक पानी आ गया है, बिजली चला नहीं सकते, और क्या कहते हैं, बिजली को चालू करते ही करंट आएगा, और बाकी आप बताओ जो ओरिजिनल बाईपास बंद है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें चार घंटे इंतजार कराने के बाद दर्शन दिए। चलो चलो कोई बात नहीं, बात नहीं। अब मेरी सर में पॉइंट नहीं आ रहा, सर मैं भैया मेरा कितना नहीं आया, नहीं आप मेरी प्रॉब्लम पहले आपको क्या पता है, क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ तो नीचे के स्टाफ ने तो आपको बताया होगा कि ये भिखारी जो आए बैठे हैं ये क्यों आए। आप अपनी बात, मैं डॉक्टर हूँ, सारे यहाँ 70+ के जो मेरे सीनियर सिटीजन है, 28 साल पुरानी सोसाइटी है सामने की, आप नहीं आई हैं इसलिए आपको अपडेट दे देता हूँ, कैसे आपको किसी से देकर भेजा जाता है। 27 साल मुझे बगीचे में हो गए और मुझे 1.5 साल हो गया धारूहेड़ा गए हुए इस रास्ते से, उनका चीफ मिनिस्टर आके ये रैम बनवा गया खट्टर, और हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे एमपी एमएलए कोई सा भी नहीं चेता यहाँ पे, ठीक है, मैं बीड़ा वालों को तो अभी ले ही नहीं रहा। जब पिछले साल चुनाव थे तो बाबा आके बोला, 3 दिन रह गए थे चुनाव में, तो ये सारा पानी काला निकल गया, कल से पानी भरा हुआ है और पूरे बॉर्डर से लेकर और सारे हरियाणा का यहाँ से पानी निकल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मैडम, आज मैं कहता हूँ, देखो अपने संक्षिप्त में बात करेंगे, मैडम को राजनीति से कोई लेना देना मैडम को, मैडम हमारे जिले की मालिक है, हमको अपनी बात से भाई मैम, ये पानी की परेशानी है, आप मुझे अपना ज्ञापन दो, मैं लेके जो भी हो सकता है मैं पानी की बोलो, आपको हमारी बात ढंग से उठानी पड़ेगी मैडम, क्या अपन पहले भी कई बार दिए थे जी आपको, आ जाओ एक आदमी आ रहा है, मैडम ज्ञापन तो हो गया, आपसे जितनी एक मदद की जरूरत है, पीछे भी पानी हमारे यहाँ भरा उस समय, नहीं ये ज्ञापन तो अगला काम करेगा, उस समय आप लोगों की तरफ से सुन लीजिए, बहुत छोटे मैं कह रहा हूँ, उस समय हमें हमारे यहाँ आप लोगों की तरफ से नगर पालिका और उस सबके संसाधन पहुंचे थे जिन्होंने सिंचाई में मदद की थी, तो हेल्प कर सकती हैं। ये मुख्यमंत्री जी के नाम है जी, और ला एक और ला ना कलेक्टर साहब का भी एजेंडा, किसी भी तरीके से करो, आज हम आपके कहने से जा रहे हैं, अगली बार हम आए तो जाएंगे नहीं साहब, पानी कटवाने के बाद सरकारी अधिकारी कोई भी आराम से ऑफिसों में नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर हम अपने घर में नहीं सो सकते तो ऑफिसों में आप ही नहीं बैठ सकते, नाच हो जाएगा सर। चलो बच्चों, अरे
ये तो जब बुलाओगे आ जाएगी। ये पर्सनल आस पास के लोग पर्सनल किस दिन 500 आदमी तुम इकट्ठा हो गए, क्या बोलोगे वहाँ पर्सनल बंद कर देना।